चंदा? हाँ सर। चलो तो अपना घर दिखा, तुम्हारा घर कौन है घर बताओ। सर बगल में जो मकान देख रहे हैं ना, वही है सर। सर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बुढ़िया निकल के मरने लगेगी। सर सर आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। अरे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तो डरने की बात नहीं। देख रहे कि एक गाड़ी फोर्स मेरे साथ है, तो डरो मत। तुम खाली गेट बताओ, तुम्हारा घर के गेट कौन है से? सर वो करिया कलर ग्रिल वाला देख रहे हैं ना गेट, वही गेट है सर। ए सिपाही जी। सर ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं ना, उसी का है। जाइए घर में से तीनों चारों को धकेलाइए। हेलो मारिए, लात तोड़ दीजिए। दहेज मांगते हैं, उसको पता नहीं कि दहेज देने वाले हम क्या हाल करते हैं। है कहां के? प्रणाम प्रणाम सर। क्या बात है सिपाही जी? तुम वारंट, तुम्हारी मसाली कहाँ है? घर में है। क्या बात है? कब की बात है? ये परसों की घटना है। तुम्हारी बहू थाना में और कोर्ट में जाकर केस कर चुकी है। ओ, थाना में जाके केस कर दिया है, कोर्ट में जाके केस कर दिया है, आप हमको पकड़िए लिए हैं। तुम पर वारंट है, आई विल अरेस्ट यू बोथ, आर रेडी फॉर जेल। वो तो हम बुझिए रहे हैं, आप हमको जेल करिए दीजिएगा। तो एक काम करिए ना, दस पंद्रह हजार रुपया ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। कहिए घर पर नहीं था। अरे साला तू चश्मा पहन के चश्मा देता हो? ए 25,000 देना नसीबदा पे पोकर में डाल देता है। इतना लोग के बीच में कर रहे हो, इंटरनेट का युग है, व्हाट्सएप आ जाएगा, लोग हमको बख्शेगा साला। आप अकेले ही ना है सर? हमारे साथ प्रभारी भी है, हवलदार चौकीदार सब है। इतना को काम के लिए दिया नहीं, अब चले आए। इसको नॉर्मल पूछते हो? दहेज लेने वाला देने वाला दोनों को जेल जाना है, तय है। तब सौर लोग आइए क्या है, तो 50,000 रुपया ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। हेलो सर, हेलो सर 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 प्रणाम सर प्रणाम सर। है बुढ़िया तू बताओ, तुमको भगवान बेटी दिया है कि नहीं? आए तुमने पुतोह के इतना बेरहमी से पिटाई पीटी हो, और तुमको दहेज चाहिए 50,000, तुमको दहेज चाहिए आए? तुमको पता है कि नहीं कि दहेज लेने वाले का हम क्या हाल है? सर किसको हम कुछ नहीं किए हैं, नहीं कुछ किए हैं। नहीं सर झूठ बोल रही हैं। बंद कर ले भैया, इतना बेरहमी से पिटाई पिटाई नहीं कुछ किए हैं, हैं? इसका तो बोलिए मिर्चाई लिखा लगता है, घर में कैसी रहती है बुड्ढी समझ में नहीं आता है। सिपाही जी लगाइए दोनों खड़के ले, चलिए हाजिर बंद कीजिए। सर 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 सुनिए ना सर, आपको सर हम 1,00,000 सर रुपया सर दे देते हैं, और सर केस के सर रोथा दो था कर दीजिए। मारे ज्यादा रुपया गर्मी हो गया है ना, सारा गर्मी तुम्हारा बुद्धि छड़ जाएगा, समझे कि नहीं? जब रात दिन में जब दौड़ना शुरू करेगी कोर्ट के, जब चक्कर लाएगा तब तुमको पता लगेगा दहेज लेने वाले कहा लेता है। सिपाही जी लगाइए दोनों खड़के, नहीं हटते दोनों को लगाइए। दहेज मांगता है, पिटाई करता है, गाँव वाले किसी पढ़ा नहीं है। लगाइए ले चलिए सर, हाजिर बंद कीजिए, ले जाए हाजिर बंद कीजिए। दहेज मांगता है, पता नहीं है? घर से निकाल दिया सारा के काया पर पड़ेगा। अब लाठी हाथ ला, चलो सारा जेल कभी ना होगा बेल, चल भीतर खा ले, लेके चलिए, छोड़ेंगे नहीं, लेके चलिए हाजिर बंद कीजिए। चला दहेज मांगता है, तुमको पता नहीं कि दहेज लेने वाले का हम क्या हाल करते हैं? बुढ़िया कहेंगे बंद कीजिए अंदर, ताला मार दीजिए, मार दिए, ताला मार दिए। ऐसी भाई जी सर, कल सुबह इसको 10 बजे चालान कर दीजिएगा, जाएगा जेल। जेकरा गर्मी है कि 1,00,000 का 1.5 लाख का सब गर्मी उसको छोड़ जाए, जो कोर्ट के जब चक्कर लगे रात दिन जब दौड़ना इकट्ठा करेगा तब उसको पता लगे दहेज लेने वाले का होता है। जी सर, साले के खाना नहीं देना है ना, खाना दे दीजिएगा, लेकिन क्या से 10 बजे चालान कर देना तो कर देना है, कोई किसी का पैर भी सिफारिश नहीं सुनना है, डायरेक्ट जेल तो डायरेक्ट जेल, कोई सुनवाई नहीं। तो आपके बीच सरकार को संदेश का हम लोग गीत संगीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने आए हैं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है, दहेज नहीं लेना है। आइए हम आपको दिखाते हैं बाल विभाग के माध्यम से।
बाल विवाह भी नहीं करना है, लड़की के साथ 18 के बाद करना है, लड़का के साथ 21 के बाद करना है। उसके अंदर अगर आप करते हैं तो बाल विवाह में आता है, प्रशासन आपको पकड़ के ले जाएगा, इसलिए आप लोग बाल विवाह नहीं करेंगे। ये हम आपको दिखा दें बाल विवाह के माध्यम से।